तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल कैमूरिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि भीम ऐप को आप आधार कार्ड से कैसे चलाएंगे। जी हां दोस्तों, पहले क्या था कि भीम यूपीआई ऐप को चलाने के लिए डेबिट कार्ड यानी दोस्तों एटीएम कार्ड चाहने होते थे, लेकिन दोस्तों अब बिना एटीएम बिना डेबिट कार्ड अगर सिर्फ आपके पास आधार कार्ड है तो आप भीम यूपीआई चला सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, फटाफट वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं कि भीम यूपीआई एप्लीकेशन को आधार कार्ड से कैसे चलाएंगे, आधार कार्ड से कैसे बनाएंगे। तो चल दोस्तों, फटाफट वीडियो का स्टार्ट करते हम आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, भीम यूपीआई एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा, और दोस्तों यहाँ पर भीम आपको लिख करके सर्च करना होगा, यहाँ पर भीम लिख करके सर्च करना होगा। और दोस्तों आपको ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देखते हैं जो कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आ जाना है अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे देखते हैं मैं आ चुका हूँ, और दोस्तों इसका लुक और इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है। भीम यहाँ पे देखते हैं, इस पर क्लिक करो, जिस इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार का ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने ओपन होता है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पूछेगा लैंग्वेज चुनने के लिए, तो आपको कोई लैंग्वेज एक तो चुन लेना होगा। मान लीजिए आप इंग्लिश चुनना चाहते हैं, इंग्लिश पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, प्रोसेसर पे आपको क्लिक करना होगा। जिससे आप प्रोसेसर पर क्लिक करते हैं, आपको अलाउ अलाउ पर क्लिक करना है। दोस्तों अलाउ पर मैं क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर मांगेगा, जो आपके मोबाइल नंबर में सिम कार्ड है और जो आपके बैंक कार्ड में सिम कार्ड है वो यहाँ पे होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो तो दोस्तों मेरा यही वाला जो नंबर है बैंक कार्ड में लिंक है, इसी पे मैं क्लिक करता हूँ, कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन होगा, आपको कुछ नहीं बैक बटन दबाना है, ऑटोमेटिक ये वेरीफिकेशन हो जाता है। आप लोग सामने लाइव देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे एक स्टेप हो चुका है, दो स्टेप अभी बाकी है, आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना है। और दोस्तों आप देखते हैं वेरिफिकेशन हो रहा है, और दोस्तों तीसरा स्टेप जैसे ही होगा यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं मेरा वेरिफिकेशन धीरे धीरे यहाँ पे कंप्लीट की ओर बढ़ रहा है। और दोस्तों आपको कोई भी अभी बटन नहीं दबाना होगा जब तक से यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ जाता है। अब देखते हैं आप लोग सामने वेरीफाई, यहाँ पे तीनों स्टेप मेरा वेरीफाई हो चुका है। यानी दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर मेरा वेरीफिकेशन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे अपना पासकोड डाल देना होगा, और दोस्तों 4 अंक का बना करके, नहीं तो अपना फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे डाल सकते। चलिए मैं पासकोड ही डाल देता हूँ, मैं अपना पासकोड डाल दिया। और दोस्तों यहाँ पे प्लीज वेट, थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा ओपन हो जाएगा। दोस्तों पासकोड यहाँ पे जब आप आईडी बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे पासकोड आपको मांगता है, जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करते समय काम आता है। अब देखते हैं फाइनली यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैंसिल पर मैं क्लिक करता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे ऊपर ही ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे बैंक आपका शो करेगा। दोस्तों नहीं शो करता है तो ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्लस का, आप देखते हैं प्लस का ऑप्शन आएगा, प्लस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जिसी बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं, आपका जो भी बैंक अकाउंट है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा जो भी बैंक हो। यहाँ पे देखते हैं मेरा पेटीएम पेमेंट्स है, पेटीएम पेमेंट्स में क्लिक किया, और दोस्तों यहाँ पे एक बार क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे उसके बाद आने के बाद ऐसा स्टेप आपको शो करेगा। अब दोस्तों जो भी बैंक अकाउंट का आप यूपीआईडी बनाना चाहते हैं उस बैंक पे आपको क्लिक कर देना होगा। मान लीजिए मुझे इस बैंक का बनाना है तो इस बैंक पे मैं क्लिक कर दूंगा, जिस इस बैंक पे क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेट पिन का ऑप्शन होगा, आपको सेट पिन पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेट पिन का कहीं ठोक ठो ऑप्शन हो जाए, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ होता है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक ठो ऑप्शन आएगा सेट यूपीआई पिन का, यहाँ पे ऑप्शन आएगा। इसी तरह दोस्तों इस पर भी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं इसी ये इसी जगह आएगा सेट यूपीआई पिन का, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे फॉरगेट यूपीआई पिन मेरा ऑलरेडी बना हुआ, तो मैं आप लोगों को दिखा भी तो फॉरगेट यूपीआई पिन पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे पहले क्या था कि एक ही ऑप्शन आता था सिर्फ यहाँ पे डेबिट कार्ड, लेकिन दोस्तों अब आधार कार्ड का भी ऑप्शन आ चुका है। तो ऐसा ऑप्शन आता है तो आधार कार्ड पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसमें दोस्तों आपको प्रोसेसर पर क्लिक करना है, जिसी प्रोसेसर पर क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों एक्सेप्ट पे क्लिक करना, जिसे एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और दोस्तों जैसे कि आप डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट डालते हैं, उस तरह दोस्तों आपको आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट डालना होगा। आप ध्यान देना होगा फर्स्ट 6 डिजिट आपका आधार कार्ड का डालना होगा। चलिए मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे डालती हैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा। यहाँ पे देखते लोडिंग ले लिया है, मैं आधार कार्ड 6 अंकों का डाला, और दोस्तों यहाँ पे देखते ओटीपी आ चुका है। यहाँ पे देखते हैं ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना होगा। अब देखते हैं अंतर दोस्तों ऑटोमेटिक ले लेता है तो ठीक है, मैं वेट करता हूँ नेक्स्ट अपडेट का। और दोस्तों यहाँ पे हो चुका है, और दोस्तों यहाँ पे जो आपका अभी आया है इसी को डालना होगा। अब देखते हैं यहाँ पे मांग रहा है आधार ओटीपी, तो यही आधार ओटीपी है जो कि ऑप्शन देकर के भी आया है।
नौ डाल दिया, सही पे क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि आपको इंटर 6 डिजिट बैंक ओटीपी, अब दोस्तों बैंक का भी ओटीपी आएगा, उसको भी यहाँ पे डालना होगा। चलिए मैं डाल देता हूँ, आ भी गया है दोस्तों, मैं डाल दिया सही ऑप्शन पे, मैं क्लिक करता हूँ, कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 4 डिजिट का UPI पिन बनाना है, जो कि दोस्तों आपको बैंक बैलेंस चेक करते समय, लेन देन करते समय काम आएगा, तो दोस्तों उसको यहाँ पे डाल देना होगा। चलिए मैं डाल देता हूँ, डाल दिया, फिर से आपको कन्फर्म करके डाल देना होगा उसी को जो बना रहे हैं पिन को, यहाँ पे डाल दिया। आपको सेव आइकन पे क्लिक करना है, प्लीज वेट, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखते हैं UPI पिन रिसेट डन सक्सेसफुली। दोस्तों यहाँ पे मेरा जो है अब बन चुका है, वो भी दोस्तों आधार कार्ड से बना है, आप लोग लाइव सब कुछ देख सकते हैं। अब मैं बैक पे क्लिक करता हूँ और दोस्तों आप लोग को दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे चेक बैलेंस करके आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे चेक बैलेंस पे मैं क्लिक करता हूँ और दोस्तों यहाँ पे जो अभी पिन डाल करके आप बना है उससे आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, दोस्तों कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों मेरा यहाँ पे बैलेंस अब शो कर चुका है, आप लोग लाइव सब कुछ देख सकते हैं, ऐसे करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो भी आपको बताएं समझ चुके होंगे, और दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।